बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ग्वालिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक थी ग्वालिन, वो गाय पालती थी। गाय पालती थी, दूध दुहती थी, अपना बेच करके खाती पीती थी। उसने एक दिन की बात है जो वो बोल सोची जो नहीं, सो गाय यहाँ जो दूध दुहते हैं तो कम दूध देता है, तो इसको क्यों नहीं चराने जाएंगे, खेत में चराएंगे, वहीं जो दूध दुहेंगे तो ज़्यादा होगा। मन में सोच ली, सोच करके अपना एक बड़ा मटका मांग ले ली। मटका ले करके गाय को दूध, गाय को ले करके चल गए खेत में। अपन चल रहा था, गाय चल रहा था, तो उसी समय में वो अपना दूध निकाली, दूध निकाली तो दूध निकाली तो ठीक, उसको बहुत दूध हो गया, ज़्यादा दूध हुआ, ज़्यादा दूध हुआ तो उसका मटका भर गया। मटका भर गया तो बोली जी आज तो बहुत सारा दूध हुआ है, सो अब जाते हैं घर। वो दूध को लेकर के माथा पर रख ली, और माथा पर रख करके आज सोचने लगी। वो अपना सोच में पड़ गई जो देखो आज इतना दूध हुआ है, तो इसको बेच करके, इसको इसमें से घर जा करके इसमें से मक्खन निकालेंगे, क्रीम निकालेंगे, और बेच करके, बेच के अंडा खरीदेंगे, आ अंडा खरीद के लाएंगे तो उससे चूजा बनेगा, चूजा निकलेगा, चूजा निकल करके तब हमको मुर्गा का फार्म खुल जाएगा, हो जाएगा, मुर्गा खाना बन जाएगा। तो मुर्गा बेच करके एक लहंगा खरीदेंगे, घंघरा चोली, आ मेला जो मेला लगेगा तो मेला में वही घंघरा चोली हम पहन करके जाएंगे, पहन के जाएंगे तो मैं खूब सुंदर लगेंगे, अच्छा लगेंगे, तो लड़का लोग मेरे तरफ देखेगा, उसको बहुत पसंद हम आएंगे, लड़का लोग देखेगा तो हम क्या करेंगे, जो लड़का लोग को देख इससे करेंगे, जो लड़का को देख करके लड़का जब मेरे पास आएगा तो हम एक कई बार मुड़ी झटक देंगे। ये सोच करके वो सोचते सोचते जा रही थी यही बात कि रास्ते में आ गया, मैंने उसको बुझाया जो मेरे पास लड़का आ रहा है, मेला हम गए मेला में मेरे पास लड़का आ रहा है। तो जब उसको बुझाया अथिये में, मैंने तो देख सपना देख रही थी दीने में, उसको बुझाया जो मेरे पास लड़का आ गया, वो क्या कि जो एक बार मूरी झटक दी कि उसके माथा पर से दूध का मटका गिर गया, दूध का मटका गिर के फूट गया। तब उसको सपना में से नींद खुला, सपना में से नींद खुली तो